हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम देखेंगे कि डायवर्सिटी का लॉस कैसे होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ डाटा जो है हमारे पास, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं और एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आखिर होता क्यों है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पीशिएशन की, स्पीशिएशन हम जानते हैं, स्पीशिएशन किसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो उसका रेट जो है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का रेट जो है वो क्या है, बहुत स्लो है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं एक न्यू स्पीशीज को जनरेट होने के लिए। ठीक है, बट जो एक्सटिंक्शन का रेट है, मतलब विनाश होने का जो रेट है, वो क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, वो विद इन डेज भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी की बात करते हुए हम देखते हैं कि जो डायवर्सिटी का लॉस है उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमन इज सेट टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। नेटिव बर्ड्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर अपने जगह पे रहते हैं। ठीक है, नेटिव मतलब एक एंडेमिक प्लेस पे रहते हैं। ठीक है, जहां पे उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो वहीं पे वो रहते हैं। ठीक है, 2000 स्पीशीज रहती थी वहां पे बर्ड्स की, उन आइलैंड्स पे, पैसिफिक ओशन में जो भी आइलैंड है। ठीक है, उनको कहा गया वहां पे। जब ह्यूमन की कॉलोनाइजेशन हुई तो वहां से ये स्पीशीज जो है, 2000 स्पीशीज जो बर्ड की थी, वो क्या कर गई, एक्सटिंक्ट कर गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक डाटा आता है अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उन्होंने रेड लिस्ट के थ्रू क्या नोटिस दिया, 2004 में। ठीक है, क्या डाटा दिया उन्होंने, नोटिस नहीं, डाटा दिया उन्होंने। रेड लिस्ट किसको कहते हैं, बेसिकली जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, उनका उन्होंने डाटा रखा होता है, कलेक्ट किया होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिए अपने, कि द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इन द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, 500 ईयर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि कितनी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। तो 338 स्पीशीज जो वर्टिब्रेट की थी, वो 359 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं, और 87 स्पीशीज जो है प्लांट की, वो भी क्या कर चुकी हैं, एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। ये डाटा हमें याद रखना है। अगर इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 784। ठीक है, विद इन लास्ट 500 ईयर्स में। ठीक है, अगर हम रिसेंट एक्सटिंक्शन की बात करें, ठीक है, जो अभी थोड़ी 200 साल पहले हुई है, जो उनकी बात करें, तो कौन कौन सी एग्जांपल आती है इसमें, डोडो वर्ड की। डोडो वर्ड कहाँ का है, ये मॉरिशियस का, ये हमें याद रखना है, मॉरिशियस का पूछ सकते हैं। उसका क्वेगा जो है अफ्रीकन बर्ड है। ठीक है, थाइसलिन ऑस्ट्रेलिया का है, स्टीलर सी कऊ। ठीक है, स्टीलर सी कऊ हमें याद रखना है, कहाँ की है, रशिया की। हो सकता है आपको घुमा के क्वेश्चन दे दे, मैच दी कॉलम दे दे कि मैच करो कि कहाँ कौन कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डोडो कहाँ से है, मॉरिशियस से, क्वेगा कहाँ से है, अफ्रीका से, थाइसलिन कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी कऊ कहाँ से है, रशिया से। ये आपको याद रखना है, ये इनकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद और एक्सटिंक्शन की बात करें तो कौन सी है, थ्री स्पीशीज ऑफ, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। टाइगर की सब स्पीशीज कौन कौन सी है, बाली जवान और, बाली जवान और कैस्पियन, बाली जवान और कैस्पियन आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि जो लास्ट 20 ईयर की बात करें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पीशीज का डिसअपीयरेंस हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, लॉस जो हुआ है स्पीशीज का, एक्सटिंक्शन का, वो बहुत ज्यादा हुआ है। 27 स्पीशीज विद इन लास्ट 20 ईयर्स में ही क्या कर चुकी हैं, एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। अब चलिए हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या कहता है कि जो एक्सटिंक्शन है एक टैक्सोन का, ठीक है, अगर कैट है जो डॉग है उसका एक्सटिंक्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर टैक्सोन की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो रैंडम नहीं है, ये हमें याद रखना है। और कुछ एग्जांपल लेता है कि सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। वल्नरेबल वो स्पीशीज होती हैं जो अभी एंडेंजर जोन से बाहर है, एंडेंजर जोन पे वो वाली स्पीशीज होती हैं जो एक्सटिंक्शन होने वाली होती हैं। ठीक है, और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो तो दिखती नहीं है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अगर हम एक सिनेरियो देखें एक्सटिंक्शन का, तो मोर देन 15,500 स्पीशीज जो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, वो क्या फेस कर रही है, थ्रेट फेस कर रही है किसका, एक्सटिंक्शन होने का। ठीक है, तो हमें जो डाटा मेंशन है वो हमें याद रखना है।
12% बर्ड्स की स्पीशीज हैं, 23% मैमल्स की, 32% एम्फीबियन स्पीशीज, 31% जो हैं वो जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज जो हैं वो थ्रेट को फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन को। ठीक है, तो किसका थ्रेट फेस कर रही हैं? एक्सटिंक्शन का फेस कर रही हैं वो, ये याद रखना है। ठीक है, रिपीट करता हूँ, 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री किसके ऊपर हम किसके बेसिस पे हम देखते हैं? जो फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पे देखते हैं तो लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज हुआ है अगर हम फॉसिल्स की बात करें। ठीक है, तो उसके बाद ये कहता है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग लेस देन 3 बिलियन ईयर्स, ठीक है, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। अगर हम पीरियड्स की बात करें, जैसे हम देखते हैं कि शोज आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपिसोड आते हैं। ठीक है, एक एपिसोड आएगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक होगा। सिमिलरली जैसे ऐसे एक्सटिंक्शन हुई है उनको हमने एपिसोड में डिवाइड किया है, तो जो लेस देन 3 बिलियन ईयर से हो रहा है एक्सटिंक्शन उसको हमने क्या कहा, 5 एपिसोड में उनको डिवाइड किया। जो अभी जो चल रहा है एक्सटिंक्शन उसको हम क्या कहते हैं, 6th एक्सटिंक्शन। ठीक है, 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड। तो प्रीवियस एपिसोड है उनसे डिफरेंट क्यों है, क्यों है, क्योंकि जो करंट जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो क्या बहुत ज्यादा हाई है, बहुत हाई मतलब 100 to 1000 times फास्टर एक्सटिंक्शन हो रहा है अब के टाइम में। ठीक है, तभी जो ये 6th एपिसोड जो है ये क्या है, डिफरेंट वेरी करता है, किससे बहुत ज्यादा वेरी करता है, जो 5 एपिसोड जो पहले के हो चुके हैं। और इकोलॉजिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारी हाफ ऑफ द स्पीशीज जो हैं वो विद इन 100 ईयर्स में क्या कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करनी चाहिए, प्लांटेशन को हमने प्रमोट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर अपनी पूरी लाइफ में अगर 3 से 4 प्लांट भी लगाएंगे तो सोचिए कहाँ तक डाटा पहुंच सकता है। ठीक है, तो हमें सबको क्या करना चाहिए, अपनी जो अर्थ है, प्लैनेट है, उसको कंजर्व करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।